नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए थी। बीजेपी लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साध रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी। भारत के बंटवारे का कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि देश उनके परदादा के समय में टूटा था, अब उनको जोड़ने की बात करने वाले को देश को एकता के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के जरिए वो लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर अब भाजपा ने हमले तेज कर दिए हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस सांसद पर हमला करते हुए राहुल गांधी को अपनी यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए ये कहा। उनके दादा परदादा के समय में भारत टूटा था, बंटवारा हुआ था। उन्होंने सवाल किया कि राहुल गांधी अब किस भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उन्हें तो अपनी यात्रा कन्याकुमारी की जगह कराची से निकालनी चाहिए थी। ढाका से वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते, यह हिस्सा भारत से टूटा है, यह हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस की भूमिका पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पार्टी की स्थिति के बारे में हम क्या कहें, आप खुद देख सकते हैं। वही राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, उसके बाद से देश का बंटवारा नहीं हुआ। फिर राहुल गांधी किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर उन्हें भारत जोड़ो यात्रा ही निकालनी थी तो वो पाकिस्तान से निकालते, बांग्लादेश से निकालते। यही 1947 के बंटवारे के बाद अलग हुए थे, इसमें उनके दादा परदादा की भूमिका थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मदरसा सर्वे के सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मदरसों की बेहतरीन के लिए सर्वे करवाया जा रहा है, हर मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मदरसों की स्थिति बेहतर हो, बच्चों को यहाँ पर बेहतर शिक्षा मिले तो इससे किसको आपत्ति होगी। दरअसल योगी सरकार की ओर से मदरसा सर्वेक्षण पर राजनीति काफी गरमाई हुई है, इस पर भाजपा अध्यक्ष का बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी को लतार लगाई है, उससे एक बात राहुल को जरूर सीख लेनी चाहिए कि भारत कोई टूटा नहीं है जिसको वो जोड़ने निकले हैं। खैर, राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बस वो टाइम पास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।